ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਏ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਦ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਵੇਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ असलामु अलैकुम नाजरीन, मैं अजमल सोनी ते तुसी देख रहे हो मिठा सोनी ऑफिशियल। नाजरीन तुसी कवाली सुनी महल्ले विचों कूच ना करी, इसी हाजी अज़र अब्बास खान। नाजरीन साढ़े फैसलाबाद वो कवाल ने कि जेडे बुजुर्ग भी इस पेशे ना मुसलिक सी, उन्होंने नाम से हाजी गुलाम अब्बास खान, जेडे कि खास शागिर्द से नुसरत फतेह अली खान साहब के, और ऐसे शागिर्द नहीं सी कि जेडे कि लाहौर पे आके कराची हो गए, नहीं बकायदा गंडापन शागिर्द कि जेड़ा पूरे फैसलाबाद नूं पता है कि वाकई शागिर्द शागिर्द है खास। तो बड़ी मुश्किल साढ़े ना कह लो भी अच्छी मुलाकात हुई है, क्योंकि मसरूफ तरीन लोग ने महल में कूच ना करी, तो अच्छा कूच नहीं कर देंगे साढ़े कोल ने है। तो इंशाल्लाह महफिल अगे जाएगी, तो पहले जरा तुम्हें तारफ करा दी मजीद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हाई सब की हाल चाल जी? मौला दी मेहरबान। तबीयत सेहत थोड़ी दुआ शुक्र अल्लाह पाक आसानी है। पता करते मसरूफीत है, सारे दोस्तों को पता कि माशाला डे बाय डे मजीद थोड़ी माशाला टीम बहुत अगे जा रही है। हाजी अजहर साहब ना गुफ्तगू चलती रहेगी। एक छोटा जी मैं तुम्हें गल दसना चाहता सी कि इन्हों की आइटम मशहूर हो सी महल में कूच ना करी, लॉर्ड वैडिंग फिल्म सी, फाद मुस्तफा साहब पाकिस्तानी फिल्म सी, बहुत प्यारी फिल्म सी, उस इन्हों के आइटम चले सी महल में कूच ना करी। लेकिन बहुत सारे लोग गुफ्तगू जी अदायगी सी फाद मुस्तफा साहब कर रहे थे, लेकिन ये पिछे कौन सी? ये चंद लोगों को पता सी कि जो इस फील्ड मुंसलिक सी या कोई इन्हों दोस्त अहबाब से, लेकिन अब जो चेहरा थोड़े अभी सामने लैके आ रहे हैं वो है ने हाजी अज़हर अब्बास खान साहब। और इंडिया बहुत सारे लोग ने सानू, क्योंकि जो साडा राबते ने चढ़दा पंजाब लहिंदा पंजाब तकरीबन सेम ही है, तो साडा कुछ दोस्त अहबाब राबते भी ने, तो पुछते यार लोग कितने देने। तो अज उन्होंने मैं स्पैशल उन्होंने वास्ते प्रोग्राम साडा रिकॉर्ड हो रहा, कह लो कि किस्मत चंगी सी कि सानू मिल गए, तो हुण तुसीं जिहड़े लभ रहे सी असीं लभ लए, इन्हां नूं तुहाडा करके लभिया, बहुत मेहनत की है। तो हुण इस मेहनत के पिछे कह लो भी तुसीं हैं ते असीं हैं, तो हाई साहब बैठे ने, तो ऐसे कोई मजीद आइटम सानू सुनाओगे तुसी? जी जी जरूर। अच्छा आइटम तो पहले एक छोटा जा क्वेश्चन, तुहाडे बुजुर्ग अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत अल फरदौस जगह दवे। अच्छा सुनना चाह रहा कि खान साहब के पक्के शागिर्द सी, इहदे च किन्नी कु हकीकत है? ये जनाब सारी हकीकत है, बल्कि ये कह सकते हैं कि सब तो पहले शागिर्द जिहड़े ने मेरे वालिद साहब ने। क्या बात क्या बात क्या बात। अच्छा किन्ना अरसा हो गया फौत होया? 2015 फौत हो गए जी, तकरीबन 7 साल पहले। 7 साल हो गए। अच्छा तुसी उन्हां दे नाल परफॉर्म कर रहे सी उन्हां दी हयात? जी जी बिल्कुल। अच्छा एक जो उन्हां दी डैथ हो गई, दुनियादारी है जिहड़ा इंसान आया उन्हें जाना भी है खालक हकीकी को जी, क्योंकि इस तरह लाइन लगी है कोई आ रहा है कोई जा रहा जी।
अच्छा उन्होंने डैथ तो बाद जो तुम परफॉर्म किया तुम्हें कैसा फील हो रहा है कि बगैर बुजुर्गों तो बगैर वाले साहब तो परफॉर्म कर रहे थे की फील हो रहा है तुम्हें? देखो जी गल सची तो यही है कि कमी कमी वो जितनी भी होवे अच्छी हो जाए वो पूरी नहीं हो सकती। इस वास्ते जिहड़ी कमी है ना वो कमी रहती है सारी जिंदगी, तो उन्हां दी कमी महशर तक पूरी नहीं हो सकती। नाज़रीन हाई साहब की गुफ्तगु जिस तरह कि वालदे की जिहड़ी कमी है वो सारी जिंदगी नहीं पूरी होंदी, इंसान खुद बाप बन जाए उहदे नीचे बच्चे छोटे बड़े आ जाए लेकिन एक वालदे की कमी वो 100 साल का भी हो जाए पूरी नहीं होंदी। तो सोड़ी दुआ कि जिन्हें वालदे ने इस दुनिया से नहीं अल्लाह पाक उन्हां दी बख्शिश फरमाए और जोड़े है ने अल्लाह पाक उन्होंने सेहत वाली लंबी जिंदगी देवे। तो मजीद महफल का आगाज़ करते हैं तो हाई साहब आवाम में तुम्हें की मजीद को नवी आइटम जी मैं हूँ तो एक पंजाबी मेरी कवाली है ठीक जी मैं पेश करना चाह रही हूँ। यार जिन्हें इश्क नमाज़ा पढ़िया नाज़रीन तुम्हें सुने आइटम बहुत प्यारा मैनू तो बहुत मज़ा आ रहा मेरा दिल कह रहा कि तुहानू भी आ रहा सची सची गल है क्योंकि आइटम है ही एडा प्यारा तो इस मजीद की सुनाओगे साढ़े नाज़रीन नू? जी बहुत कुछ जो कहोगे सुनावांगे लेकिन पहले थोड़ा पानी पीना पानी पानी हाई साहब घुट लाने तो पहले एक छोटी गुजारिश चलो पहले घुट ला लो फिर गल कर लेता पानी पहले ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਗਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਾਮ ਦਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੱਗਾ ਮੱਛੀ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ
जिते हो सकता है इस वे। अच्छा भी तेनू आ कि हाई साहब जरा मैनू खान साहब ज्यादा नींद आँदी है फिर करना चाहिए वो बेहद वो यानी कि देखो ना पार्टी देख रहे सारी ये मुतलक तेन होर की आंदा वा मैं आवाज़ा लाने आंदियाँ आवाज़ ला लेना तू मैं कहना एडी अच्छी पहले कभी आवाज़ लाई तू ले मैं पाँच सात महल्ले चला न्याणे मेरे तो डरते भी आ गए ने आवाज़ा लाने अमरूद ले लो अच्छा तू इतने हूँ शिगिर्द होना है कि 100 रुपया लेना है ये शिगिर्द बकायदा शिगिर्द खान साहब का होना है बड़े खान साहब बड़े लोग बेटे वो तो सारे पता वा बगली अगली गल कि कुछ ना तरीकाकार होंगे शिगिर्दी का ठीक है तू शिगिर्द होने तो मैंने लगा तू हवाम च आया वा जुल्फ भी तेरी ऑटोमैटिक हुई है मैं दसन जी शिगिर्दी का कील वाजमा था मैं इंशाला अगले महीने सारा कुछ ले आऊँ फिर आई अगले महीने जाना सी कि दूरों लैके आना समान भाजी दूरों नहीं खान साहब वास्ते खद्दर का सूट नाल घड़ी खान साहब बच्चा कुछ कुछ गल्ला ठीक कर रहा हाँ जी हाँ जी हूँ आस्ता आस्ता ठीक आस्ता आस्ता ठीक हो रहा वैसे उदा इन किसी दवाई ने आराम नहीं आया शरायत हुंदियां क्योंकि तुहानूं पता कि बड़ा एक अहम काम हुंदा है शिगिरदी जिहड़ी हुंदी है क्योंकि बाद च बंदा कह लो कि जिस तरह उस्ताद दे शिगिरद पल्ले पै गया कोई जिथे भी किते जा रहा वो परफॉर्म कर रहा वा तो दस रहे जी कि हाँ जी अज़हर अब्बास खान साहब का शिगिरद है तो फिर तुहानूं पता लड़ लग जांदा वा ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਬੱਚੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜਰਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਗਾ ਹੀ ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਆਜ਼ਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂਜੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਆ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਖਲੂਸੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਰਿਆਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਰਿਆਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖਾਸਮ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਨਾ ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਓ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਆਈਟਮ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਈਟਮ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਲਓ ਜੀ ਆਈਟਮ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਆਈਟਮ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨੂੰ
नाज़िन आ जावे तेनू अखियां उड़ीक दियाँ ते उड़ीक रही अखियां को टाइम भी काफ़ी हो गया। नाज़िन अपने कमेंट्स तुसीं दसना कि तुहानूं इह परफॉर्मेंस कैसी लगी ते साडे चैनल लाइक शेयर ते सबसक्राइब करना, अपना बहुत ख्याल रखना। और नाज़िन इह लोग उह लोग ने कि जिन्हां नूं जरूरत आ तुहाडे साडे प्यार दी, और मैं उम्मीद करदा कि इंशाल्लाह तुहाडा प्यार इन्हां नूं जरूर मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।